कि जो आदमी बिजी है ना वही टाइम निकाल सकता है, बिकॉज जो जो वेला आदमी है ना उसके पास तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए टाइम नहीं होता। तो मैम आपका बेसिकली जो सनरेज नाम है उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? इंस्पिरेशन इज दैट सनरेज, सन ऑलवेज गिव्स गुड वाइब्स एंड वी वॉन्ट टू स्प्रेड गुड मैसेजेस, गुड वाइब्स through thoughts and through stories and through videos, that is the basis of Sunrise. Okay. मैम जब basically आपने जब start किया तो आपके जब आप बता रहे थे कि lockdown में आपने start किया, तो ये आपको कहाँ से inspiration आई lockdown में start करने की? क्योंकि हमने पहले 7 books लिखी हैं Sunrise series में, each book has 52 inspirational short stories. तो संजय सैड के लोग घर में बैठे हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं एंड पीपल हैव नथिंग टू डू, तो चलो लेट्स मेक वीडियोस एंड शेयर दीज स्मॉल स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया, सो जस्ट टू गिव अ नाइस मैसेज, टू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड सेंड गुड थॉट्स टू पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एंड सर जब हम बात करते हैं सनरेज वगैरह की, आप बता रहे थे आपका कितना पैक्ड स्केड्यूल होता है मैम और आपका, उसमें से आप पैक्ड स्केड्यूल में जो जर्नी फ्रॉम पब्लिशिंग बुक्स टू रिकॉर्डिंग इवन पॉडकास्ट नाउ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरे को लगता है कि जो आदमी बिजी है ना वही टाइम निकाल सकता है, बिकॉज जो जो वेला आदमी है ना उसके पास तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए टाइम नहीं होता। तो काम करने की इच्छा होना और उसके बाद अपने वर्क शेड्यूल को अच्छे ढंग से मैनेज कर लो तो काम हो जाता है, अदरवाइज डिफिकल्टी तो हर काम में आती है, प्रॉब्लम्स हर काम में आती हैं, इट इज़ हाउ यू फेस देम एंड सॉल्व द इश्यूज एंड मूव फॉरवर्ड। मैम बेसिकली आई गॉट रियली इंस्पायर्ड, आपने एडिटिंग खुद सीखी, आपने वीडियो एडिटिंग करना सीखा, आपने तो एफर्ट्स डाले, आप सबने आप दोनों ने मिलकर स्टोरीज लिखी है, तो आप बताना चाहेंगे आपकी सारी जर्नी के बारे में? सो हम लोग आईफोन पे ही रिकॉर्ड करते हैं अभी भी, शुरू से भी और अभी भी, एंड उसका फर्स्ट पहले तो मैं पूरा एडिट खुद ही करती थी, फर्स्ट 100 स्टोरीज मैंने खुद ही एडिट की, बट नाउ क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब सब टाइटल्स भी डालते हैं, कुछ एनिमेशंस भी डालते हैं, कुछ एक्सटर्नल पिक्चर्स डालते हैं, सो नाउ आई हैव समबडी हु हेल्प्स मी विद दैट, तो बट ये है कि फर्स्ट कट ऑफ एडिट आई स्टिल डू माई सेल्फ और बाकी फिर हमारी टीम करती है एंड लॉट ऑफ पीपल वर्क बिहाइंड द सीन्स, मतलब हम लोग तो एक बारी नैरेटिव करके और साइड हो जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग उसको पॉलिश करते हैं टू ब्रिंग इट टू द platform in its present face. Okay. So basically after 200 episodes जो आपने celebrate कर रहे हैं उसके बाद आपकी vision क्या है? अब अगली बार आपको 300वें episode पे बुलाएंगे, फिर 400वें, फिर 500 वाले पे. Okay. ठीक है? Yes sir. Okay sir, anything you would like to say to our audience after for the celebration of 200 episodes? Please share our stories, please like us on Facebook or Insta or YouTube, wherever, whichever social media platform you are on, and if you comment and interact with us that will be really nice, because if people comment we also come to know how they feel and if they want to give us suggestions, maybe you know just something that they like this part of this story and if they would like to hear something on this topic next time or next time, so if they can interact with us that will be really nice.